everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing really well. और आज फिर नवरात्र स्पेशल एपिसोड में आपके लिए शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ते और उसके साथ बनाऊंगी मैं कुट्टू के आटे की मसाले वाली पूड़ी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं. तो उसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैं आपको एक बारी उसको दिखा देती हूँ. तो यहाँ पे मैंने चार बड़े साइज के बॉयल्ड पील्ड और मैश्ड पोटैटोज ले लिए हैं. और यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब ग्रेटेड पनीर लिया है. आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे रोस्टेड क्यूमिन पाउडर लिया है और हम यहाँ पे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यूज़ करेंगे. 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर लिया है और 2 टीस्पून मैं सेंधा नमक यूज़ करूँगी. 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर यूज़ करूँगी. और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुट्टू का आटा लिया है. मैं जब इन दोनों का मिक्सचर रेडी कर लूँगी उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है तो मैं शायद कुट्टू का आटा यूज़ करूँ ताकि इनकी बाइंडिंग अच्छे से हो. और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्रेटेड जिंजर और ग्रीन चिली ली है. तो हम स्टार्ट करते हैं कोफ्ते बनाना. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पोटैटोज़ एक बिग बोल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं. अब इसमें मैं ये पनीर ऐड कर दूंगी और अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये जिंजर और ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी. हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 2 टीस्पून यहाँ पे मैं सेंधा नमक ले रही हूँ. अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसको भी हमें हाथों से ही अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा. तो ये डो अच्छे से कंबाइन हो गया है और मुझे इसमें आटा डालने की नीड नहीं लग रही है तो मैं आटा नहीं यूज करने वाली. अब हम इस डो से कोफ्ते तैयार कर लेते हैं. तो हम इसके छोटे साइज के कोफ्ते बनाएंगे, बहुत बड़े कोफ्ते नहीं बनाएंगे. तो थोड़ा सा पोर्शन डो का लेके अपने हाथ में उसको राउंड कर लीजिए अच्छे से, हल्के हाथ से ही दबाते हुए इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए. यहाँ पे हमारा एक कोफ्ता बनके रेडी है. और इन कोफ्तों को बनाने के लिए आप बिल्कुल ठंडे बॉइल्ड पोटैटोस का यूज करिए. गरम पोटैटोस का यूज करोगे तो डो अच्छा रेडी नहीं होएगा. और कुट्टू का आटा आप यूज कर सकते हो अगर आपको आपका डो थोड़ा सा भी सॉफ्ट या ढीला फील होता है. तो बस इसी तरह से हम बाकी के कोफ्ते भी रेडी कर लेंगे. अब यहाँ पे मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है. जैसे हमारा घी मीडियम हाई हीट पे आएगा हम इनको फ्राई करेंगे. तो अब हमारा घी यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इनमें हमारे कोफ्ते ऐड कर देंगे. हमें इनको ज़्यादा हिलाना नहीं है. जब इन पे थोड़ी सी ब्राउन क्रस्ट आपको दिखाई देने लग जाएगी तब हम इनकी साइड चेंज करेंगे. तो अब इन पे ब्राउन क्रस्ट दिखनी स्टार्ट हो गई है तो अब हम इनको धीरे धीरे हल्के हाथों से इनकी साइड पलट देंगे. हाँ
हमने इनको लाइट ब्राउन गोल्डन कलर के ही फ्राई करना है, डार्क ब्राउन नहीं फ्राई करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ पनीर और पटेटोज ही हैं और वो दोनों पटेटोज ऑलरेडी कुक्ड हैं और पनीर को कुकिंग की कोई ज़्यादा नीड नहीं होती है, तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे, आपको इनसे अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटाना है। अब हमारे कोफ्ते दोनों साइड से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे ट्रांसफर कर देंगे। मैंने 6 से 7 बिग साइज के राइप्ड टमेटोज ले लिया, अब इनको मैं एक पैन में ट्रांसफर कर दूंगी। पैन में मैंने ऑयल या अभी कुछ भी घी ऐड नहीं किया है, ये हम अब ग्रेवी की प्रेपरेशन कर रहे हैं हमारे मलाई कोफ्ते के लिए। और अब इसमें मैं 1 इंच अदरक और 2 ग्रीन चिलीज ऐड कर दूंगी। ये सब कुछ मोटा कटा हुआ है क्योंकि हमने इसकी बाद में अच्छी सी प्योरी बना लेनी है, तो बस हम इस टमाटर को थोड़ा सा अब इसमें सेंधा नमक ऐड करके अब इन टमाटोज को हम ढक के थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने 10 से 12 काजू के पीसेस ले लिए हैं, अब ये भी मैं हमारे टमाटोज के साथ डाल दूंगी ताकि ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब हमारे टमाटोज यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट और मशी हो गए हैं, अब हम इनकी अच्छी सी एक मिक्सी में प्योरी रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेम पैन में थोड़ा सा घी गर्म होने के लिए रख दिया है और हमारा घी अब गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। अब जैसे ही जीरा क्रैकल होगा मैं इसमें 1/2 टीस्पून टर्मरिक ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें जो हम मैंने ये प्योरी रेडी की थी वो ऐड कर रही हूँ। अब हम इस प्योरी को 2 से 3 मिनट तक घी और मसालों में अच्छे से कुक होने के लिए रख देंगे। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून सेंधा नमक ऐड कर दूंगी, हमने नमक पहले भी ऐड किया था जब हम टमाटोज को सॉफ्ट करने के लिए, तो प्लीज़ नमक आप ध्यान से ही डालिए। और यहाँ पे अब हमारी ग्रेवी रेडी है, अब मैं इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड कर दूंगी। अब हमारी ग्रेवी में अच्छा सा बॉयल आ गया है और लास्ट हम इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी अब बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। हमने कोफ्ते हमारी ग्रेवी में ऐड नहीं करने, हमने जब सर्व करना है तब कोफ्तों को हम एक प्लेट में सर्व करेंगे और ऊपर से हमारी ग्रेवी को, तो मैं आपको प्लेटिंग दिखाऊंगी। अब पहले हम पूड़ी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे पूड़ी के लिए मैंने 1.5 कप कुट्टू का आटा ले लिया है और ये 1 कप मैंने मैश्ड और बॉइल्ड पोटैटोज ले लिए हैं। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून सेंधा नमक यूज़ करूँगी
और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके ले लिया और आधी ग्रीन चिली ली है, थोड़ी सी अजवाइन ली है और मैं यहाँ पे एक टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यूज़ करूँगी और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले कुट्टू के आटे में मैं ये आलू डाल देती हूँ। अब इसमें मैं जिंजर और ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी। ये मैं मसाला पूरी बना रही हूँ इसलिए मैं सारी स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्लेन प्रेफर करते हैं तो सिर्फ नमक और अजवाइन से भी ये पूरी बहुत अच्छी टेस्टी बनकर रेडी होती है। यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो और लास्ट सेंधा नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसको अपने हाथों की हेल्प से पहले गूंद लेंगे, फिर जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उतना पानी ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे आटा और आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करूंगी डो बनाने के लिए। हमारा डो अच्छे से नीड हो गया है, ये डो बनके रेडी है। अब हम इससे पूड़ियाँ तलने की तैयारी करते हैं। तो अब यहाँ पे पूड़ी के लिए मैंने जितना हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं उस साइज का एक बॉल रेडी कर लिया है। अब मैंने एक बेकिंग पेपर पे थोड़ा सा घी स्प्रेड कर दिया है ताकि पूड़ी नीचे चिपके ना, और अब हम इसको हल्के हाथ से फैला लेंगे। इसको ज्यादा बिग साइज का नहीं बनाना है और ना ही ज्यादा पतला करना है। इस साइज की हमने पूरी बना के रेडी कर लेनी है और इसकी थिकनेस हमने इसको नॉर्मल पूरी जितना पतला नहीं। और यहाँ पे मैंने घी तलने के लिए रख दिया था गर्म होने के लिए, और जैसे ही ये मीडियम हाई हीट पे गर्म हो रहा है और जैसे ही अपने टेम्परेचर पे आएगा हम इसमें पूरी ट्रांसफर कर देंगे। अब हम अपनी पूरी ये बेकिंग शीट से उतार लेंगे और हमारा घी अब अच्छे से गर्म हो गया है, इसको हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम हल्के हाथ से घुमाते रहेंगे। साइड चेंज कर देंगे। ये पूरी नॉर्मल आटे जैसी बहुत ज्यादा नहीं फूलेगी पर थोड़ी सी फूलेगी। अब ये हमारी पूरी रेडी है, अब इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी। अब यहाँ पे हमारी पूरी बन के रेडी है और मैंने एक प्लेट में हमारे कोफ्ते भी लाइन अप कर लिए हैं। अब हम इस पे थोड़ी सी हमारी ग्रेवी फैला देंगे अच्छे से और ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे। You have it guys, my masala kuttu atta puri or malai kofte. Please do try this at home and I'm pretty sure you guys will like it. And don't forget to subscribe to my channel and please like and share with your friends. Bye bye. Thank you for watching.